आज दो बहुत बड़ी हस्तियां, बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने दिल्ली की राजनीति में बहुत लंबे अरसे से अपना मुकाम बनाया, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में एक स्तंभ की भूमिका अपने अपने कार्यक्षेत्र में निभाई, आज दो बड़ी हस्तियां माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कामों से, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से प्रभावित होकर, जिसमें हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलती है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है, सबको मुफ्त इलाज मिलता है, बढ़िया से बढ़िया इलाज अस्पताल में मुफ्त में किया जाता है, बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी, और बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, बस यात्रा मुफ्त, तीर्थ यात्रा मुफ्त का एक गवर्नेंस मॉडल जो समाज के वेलफेयर के लिए अरविंद केजरीवाल साहब ने दिया है, उस मॉडल से प्रभावित होकर आज दो बहुत बड़ी हस्तियां आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार में शामिल होने जा रही हैं। मैं इन सब का आपसे परिचय कराने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि एक एक कर जो अच्छे लोग हैं, जिनके मन में समाज के लिए, अपने दिल्ली के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा है, वो सब अच्छे लोग, ईमानदार लोग आज अपनी पुरानी एसोसिएशन, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो चाहे किसी और पार्टी से हो, वो छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों के आने से आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और इनके अनुभव का, इनके सामाजिक कार्य का आम आदमी पार्टी बहुत लाभ उठा सकेगी। मैं सबसे पहले आपका परिचय कराना चाहूँगा। आप सब जानते हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे राइट हैंड साइड पर बैठी हैं अंजलि राय जी। अंजलि राय जी दो बार कांग्रेस की MLA रहीं, दो बार उन्होंने 1998 से 2008 तक, यानी कि 10 साल एक MLA के तौर पे, विधायक के तौर पे, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के तौर पे दिल्ली की जनता की और अपने विधानसभा क्षेत्र की खूब सेवा करी। इन्होंने केवल MA की भूमिका ही नहीं निभाई, MLA के साथ साथ ये दिल्ली जल बोर्ड की वाइस चेयरमैन भी रही, मेरी सीनियर हैं। 2004 से 2006 ये दिल्ली जल बोर्ड की वाइस चेयरमैन रहीं। 2000 से 2004, यानी कि पूरे 4 साल ये दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, शायद 5 साल, 5 साल दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्षा रहीं। और इसी के साथ साथ सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन रहीं 2012 से 2015, और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर दिल्ली सरकार में रहीं, जैसे कि डायरेक्टर रहीं ट्रांसपोर्ट विभाग की, डायरेक्टर रहीं टूरिज्म विभाग की, विप रहीं, चीफ विप रहीं अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी की दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की 10 साल तक अध्यक्षा रहीं, और कई बड़े पदों पे इन्होंने काम किया। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अंजलि राय जी सक्रिय भी रहीं और बहुत बड़े बड़े पदों पे कांग्रेस में रहकर काम किया। ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रहीं 1993 से 1996, दिल्ली स्टेट महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रहीं 1996 से 2000, और वाइस प्रेसिडेंट रही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, यानी कि स्टेट लेवल पे जो DPCC होता है उसकी उपाध्यक्ष रहीं 2013 से 2019। इसी के साथ साथ कई चुनावों में राज्यों के पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के ऑब्जर्वर के तौर पर भी अंजलि राय जी ने काम किया। आप इन्हें नेता के तौर पे तो जानते हैं, इन्होंने खूब सेवा करी जनता की, इनको एक टेलीविजन एंकर और एक न्यूज़ रीडर के तौर पे भी जानते हैं, हम सब बचपन से इन्हें देखते आए हैं। और सामाजिक कार्यों में इनकी अपनी NGOs चलती हैं, और महिला सशक्तिकरण के लिए
बहुत सारा काम उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी किया और राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में भी नहीं किया। वो मैं अभी आपको बोलूं। इसी के साथ साथ आज दूसरी बड़ी शख्सियत जो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही है, मेरी अपनी विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत जाने माने व्यक्ति शख्सियत, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को केवल मजबूत करने का ही नहीं, हमारी राजेंद्र नगर विधानसभा में पूरी इलाके में, मैं कहूं पूरे जिले में, विधानसभा तो इनके कद के लिए छोटा है, पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बनकर इन्होंने काम किया। और आज रविंदर सिंह निर्वाल साहब जो नारायणा गांव के रेजिडेंट हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कामों से प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इनके आने से हमारी अपनी राजेंद्र नगर विधानसभा तो खूब खिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जिले स्तर पे और राज्य के स्तर पे आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। मैं निर्वाल साहब के बारे में उनका परिचय आपके सामने अवश्य रखना चाहूँगा। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में कई बड़े पदों पे काम किया और कई बड़े इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन के तौर पे, वाइस चेयरमैन के तौर पर भी समाज के लिए काम करते रहे। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।